का मुख्य से स्वागत करें। जो आगे से अग्नि कड़ी में रानी कुमार जो तालियां बजती आदरणीय। देखिए यहाँ पर भाजपा वाले भी आए होंगे। देख के बताओगे कि चुरहट बोलता है ना कि अब बदलाव की जरूरत है। चुरहट का युवा जाग चुका है। ऐसे नेता नहीं चाहते कि जो जीतने के बाद भोपाल चले जाए। जनता ऐसा नेता नहीं चाहती कि भोपाली नेता हो। जनता अपने बीच का व्यक्ति चाहती है जो उसके सुख दुख में शामिल हो सके, उसकी परेशानियों को समझ सके। गलत है क्या मेरे आरोप? गलत है क्या? नहीं हो रहा बंटी बबली जैसा यहाँ पर। सोचिए चार साल, साढ़े चार साल एक भूमि पूजन नहीं, और तीन महीने में भूमि पूजनों की भरमार लग गई। तो ऐसी उस बंटी बबली में बंटी भी तो करता था ना। अब ये तो आप लोगों को निकालना है भाई। बंटी बबली ये सब क्यों निकला? आज सोचिए साढ़े चार साल तक कोई माता बहने याद नहीं आई। चुनाव के टाइम में गांव गांव जाके गले मिलना, चूमा लेना, तब वो परेशान नहीं थी साढ़े चार साल तक यहाँ की माताएं बहने? तब तक साढ़े चार साल तक इस चुरहट विधानसभा को भूमि पूजन की जरूरत नहीं थी? तो ये बंटी बबली जैसा कार्य नहीं तो और क्या है? मैं तो इन जनता से बोलूंगा, इनको मैंने एक नाम दिया है, उसको गांव गांव तक फैले, लोगों को एहसास हो कि हमने आपको क्यों जिताया था परेशान होने के लिए। आप लोग खुद बताओ साढ़े चार साल में कितने भूमि पूजन हुए और पिछले तीन महीने में कितने भूमि पूजन हुए? तो जनता सब देख रही है। बस जनता चाहती कि कोई व्यक्ति आए, वो हमारी बात तो करे। मैंने जो एक सबसे बड़ी बात की है अस्पताल की, सोचिए आप। तो मेरे लिए एक जो राहुल कक्का जिनको मैं बोलता हूँ और जिनको बंटी बबली बोलता हूँ, तो ये दोनों अब नहीं चलेगा जनता के बीच नौटंकी कि साढ़े चार भोपाल में आराम, छह महीने में आके नौटंकी। जनता को चार साल, नौ महीने, ग्यारह महीने, तीस दिन का हिसाब देने वाला विधायक बनूंगा। चार साल, ग्यारह महीने, तीस दिन का, एक एक रुपए की तनख्वाह का, एक एक रुपए के जो विधायक नहीं मिलता उसका हिसाब देने वाला विधायक बनूंगा। इसलिए जनता मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। लहर चलेगी चलेगी और जनता मुझे। आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ रही है, किसी भी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है। और अभी हमने बहुत सारी टिकटें तो अनाउंस कर दी है, बाकी आगे भी सीटें जो है वो एक दो दिन में अनाउंस हो जाएगी। जी जी। और यहाँ पर आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हो, आपके मुद्दे क्या? देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से शिवराज जी की सरकार ने भ्रष्टाचार करी है चारों तरफ, उसका कोई तोल मोल ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी चीज़ों को तो